क्यों होगी ब्रह्मास्त्र एक ब्लॉकबस्टर फिल्म और कब रिलीज होने वाली है ब्रह्मास्त्र। हेलो दोस्तों, पॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, और किया भी क्यों ना जाए। आखिर इस फिल्म के लिए अयान मुखर्जी 6 साल से काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मान रहे हैं और इस फिल्म पर दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार करने के लिए दर्शकों के पास हैं 3 बड़ी वजह। सबसे पहली बात तो इस फिल्म के साथ रियल लाइफ जोड़ी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्क्रीन पर पहली बार साथ में नजर आने वाली है। दोनों के अफेयर की खबरों से तो सभी वाकिफ हैं, और इसीलिए दर्शक फिल्म को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इस फिल्म में पहली बार ये जोड़ी स्क्रीन पर साथ नजर आने वाली है। दूसरी वजह, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अयान मुखर्जी। जहां बात अयान मुखर्जी की आती है, तो हालांकि उन्होंने कम ही फिल्में बनाई हैं, लेकिन जो भी फिल्में बनाई हैं, उन सभी फिल्मों से हर बार दर्शकों का दिल जीत कर ले गए हैं। फिर चाहे वो हो फिल्म ये जवानी है दीवानी या फिर वेकअप सेट, अपनी फिल्मों को अयान एक नए नजरिए से दिखाते हैं और यंगस्टर्स को फिल्म से पूरी तरह से कनेक्ट करवा देते हैं। ये उनकी खासियत है। हालांकि खुद भी काफी यंग हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका काफी यूनिक है और दर्शकों को भाता है। इसीलिए दर्शक उनकी अगली फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तीसरी और आखिरी वजह, ये फिल्म एक ट्रायोलॉजी होने वाली है और इसमें अमिताभ बच्चन और नागार्जुन अक्किनेनी एक साथ नजर आने वाले हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें इतने बड़े नाम जुड़े हों, जिसको डायरेक्ट कर रहे हों अयान मुखर्जी, और इसको 3 पार्ट्स में बनाने की बात पहले ही कह दी गई हो, तो आखिर उस फिल्म से दर्शकों की उम्मीदें क्यों नहीं बढ़ेंगी। जब फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था, तो दर्शकों का मानना था कि एक सुपर हीरो फिल्म होने वाली है। सब कह रहे थे कि इस फिल्म में रणबीर कपूर हमें एक सुपर हीरो के किरदार में नजर आएंगे, एक सुपर हीरो लव स्टोरी होगी, क्योंकि जब खबर आई कि आलिया भट्ट भी इस फिल्म का हिस्सा है, तो हर कोई अलग अलग तरह से अजम्पशन लगा रहा था। लेकिन फिल्म की लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का कहना है कि ये कोई एक सुपर हीरो फिल्म नहीं है, हम इसको एक मिस्टिकल फैंटेसी ड्रामा कह सकते हैं, और इसके लिए रेफरेंस देने के लिए कोई फिल्म है ही नहीं, क्योंकि इस जैसी कोई फिल्म आज तक बनी ही नहीं है। उनका ये स्टेटमेंट अपने आप में लोगों के अंदर एक खलबली से पैदा कर देता है कि भाई आखिर क्या बन रहा है ऐसा जो अभी तक बना नहीं है। पहले फिल्म का नाम ड्रैगन रखा गया था, लेकिन उसको चेंज कर इसका नाम ब्रह्मास्त्र रख दिया गया। उसके पीछे की वजह यही बताई गई कि ब्रह्मास्त्र का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है माइथोलॉजी में, फिर चाहे वो रामायण हो या फिर वो महाभारत हो, एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता है ब्रह्मास्त्र, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसीलिए उनका जो मोटिव है इस फिल्म के पीछे इसको नाम देने का यही था, और इस तरह का नाम देने के बाद अब वो इस तरह की बातें भी कह रहे हैं कि इस तरह की फिल्म बनी ही नहीं है। तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिर क्या लेकर आने वाले हैं, क्योंकि 6 साल तो हो चुके हैं अयान मुखर्जी को दिन रात इस फिल्म पर लगाते हुए, और दर्शकों से वो पहले ही अपनी इस फिल्म को लेकर 10 साल मांग चुके हैं। उनका कहना है कि मैं पूरे 10 साल चाहता हूँ, और 10 साल में मैं आपको एक ऐसी ट्रायोलॉजी दूंगा जिसका कोई भी कहीं भी मुकाबला नहीं होगा, और जिसकी वजह से इंडियन सिनेमा एक ऐसे स्तर पर पहुंचेगी कि हॉलीवुड भी इंडियन सिनेमा को अपनी आंखें ऊपर कर देखेगा। जब से फिल्म अनाउंस हुई है, तभी से फिल्म को लेकर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं कि जिसको देखकर दर्शकों को लगता है कि भाई कुछ तो बता दो और फिल्म के बारे में, आखिर ऐसा क्या तैयार हो रहा है। लेकिन फिल्म मेकर्स बहुत ही स्मार्टली खेल रहे हैं और कुछ भी रिवील करने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट जब फिल्म का लोगो रिलीज हुआ था कुंभ के मेले में, तब भी लोग देखते रह गए थे। ड्रोन्स की हेल्प से इसका लोगो रिलीज किया गया था, और हर कोई सिर्फ और सिर्फ आसमान में इतनी खूबसूरती से पहले तिरंगा बनाया गया, उसके बाद लोगो आया, और उसके बाद ब्रह्मास्त्र लिखा हुआ आया। तो ये जो ब्यूटीफुली ड्रोन्स की मदद से लोगो लॉन्च किया गया, ये अपने आप में एक यूनिक तरीका था। और इनफैक्ट आलिया भट्ट का कहना भी ये है कि जब फिल्म दर्शक देखने जाएंगे इस फिल्म को, तब उन्हें मालूम चलेगा कि क्यों हमने ड्रोन की मदद से इसका लोगो रिलीज किया। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही एक्साइटमेंट क्रिएट करने वाली चीज़ है कि ड्रोन से रिलीज करने के पीछे की भी एक बहुत बड़ी वजह है, जो कि फिल्म से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। दोस्तों, फिल्म के विलन की अगर हम बात करें, तो इस फिल्म में विलन का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी मौनी रॉय, जो कि नागिन बनकर एक अरसे तक दर्शकों के दिल पर राज कर चुकी हैं, और अभी पिछले ही दिनों जॉन अब्राहम की फिल्म
रोमियो अकबर वॉल्टर में भी नजर आ चुकी हैं। मोनिका कहना है कि वो अकेली इस फिल्म में विलन होने वाली हैं, तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर इतनी बड़ी फिल्म जिसमें एक फीमेल को विलन के किरदार में दिखाया जाएगा, क्या ऐसा किरदार होगा जो अभी तक बॉलीवुड में नहीं क्रिएट किया गया है, क्या ऐसा अलग करने वाली है मौनी अपने इस किरदार से, ये भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों इस फिल्म के गानों को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और कॉम्पोज करेंगे प्रीतम दा। फिल्म पहले इस साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और अब ये 2020 की समर्स में रिलीज होगी। तो इस फिल्म को यानी कि 2020 की सबसे बड़ी फिल्म कहा जा सकता है, क्योंकि 6 साल की मेहनत के बाद अयान मुखर्जी अपना ब्रह्मास्त्र लेकर आ रहे हैं जिससे कि वो पूरी इंडियन सिनेमा को हिलाने वाले हैं। क्या होगा इस फिल्म में, किस तरह की कहानी होगी, अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। बहुत ही खुफिया तरीके से फिल्म के ऊपर काम किया जा रहा है। तो इस फिल्म से जुड़ी जो भी दिलचस्प बात हमें मालूम चलती है हम फौरन लाएंगे आप तक, इसीलिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।